जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहला थ्योरम कैंसिलेशन लॉ इन ए ग्रुप के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम लोग सेकंड थ्योरम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो सेकंड थ्योरम है इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इसका स्टेटमेंट है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। ये थ्योरम बोल रहा है कि किसी भी ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वह यूनिक होता है। तो इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ हम लोग इस प्रकार करेंगे कि हम लोग सबसे पहले एक ग्रुप लेंगे जिसको हम लोग जी से डिनोट करेंगे और उसका हम एक एलिमेंट लेंगे ए और उसका हम लोग दो आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे और दोनों को अगर हम इक्वल कर दें तो यह थ्योरम हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि लेट जी बी ए ग्रुप। हम लोग ले लिए कि जी एक ग्रुप है, इसी में हम लोग लिखते हैं कि एंड लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी। हम लोग ले लिए कि जी कोई एक ग्रुप है और ए उस ग्रुप जी का कोई एक एलिमेंट है। अब हम लोग ले लेते हैं कि लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम लोग ले लिए कि ई कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और हम लोग कोई इसी में एक दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश लेते हैं और इस ई और ईडेस को अगर हम इक्वल कर देंगे तो यह थ्योरम हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल हो तो लेट ईडेस बी एनोदर आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप जी। हम लोग सबसे पहले मान ली कि जी को एक ग्रुप है, ए उसका एलिमेंट है और हम लोग ई को एक आइडेंटिटी एलिमेंट और अगर पॉसिबल हो तो ई डैश को भी हम लोग एक आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिए। अब ई और ई डैश को हम लोग इक्वल दिखा देंगे तो ये थ्योरम हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ई को हम लोग एक आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिए हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सिंस ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। हम लोग ले लिए कि ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफोर। हम लोग ग्रुप का जो डिफिनेशन पढ़े थे यानी लेक्चर वन हम लोग उसी में पढ़ चुके थे कि आइडेंटिटी एलिमेंट और जो ग्रुप का एलिमेंट होगा उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एलिमेंट ही आता है। जैसे यहाँ पे हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट ई है और ये जो एलिमेंट ए है, या हम लोग इस ए को या ई आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही मिलेगा। इसको हम लोग इक्वेशन वन ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे सिमिलरली यहाँ पर हम लोग ई डैश को दूसरा आइडेंटिटी माने हैं तो लिखेंगे सिंस ई डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग देयरफोर यहाँ पे हम लोग लिखे कि ईडेस भी ग्रुप जी का एक आइडेंटिटी एलिमेंट है तो यहाँ पर भी हम लोग यही केस लगाएंगे ई डैश डॉट ए बराबर ए डॉट ई डैश बराबर ए। इक्वेशन वन और टू में हम लोग देखते हैं तो ए और ए दोनों समान है तो हम लोग इसमें लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू। तो वन और टू से हम लोग या तो इसको या इस पार्ट और इस पार्ट, ये दोनों पार्ट को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ए और ए दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वल है तो ई डॉट
ए बराबर ई डैश डॉट ए। आप ए डॉट ई और ए डॉट ई डैश को भी लिख सकते हैं। अगर ये इसका पहला पार्ट और इसका पहला पार्ट को लिखेंगे तो हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन सॉरी राइट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे, अगर इस पार्ट और इस पार्ट को अगर लिखेंगे तो उसमें हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे, तो यह थ्योरम हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि लेट ए इनवर्स, लेट ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए इन जी। हम लोग ले रही है कि ए इन्वर्स, ए का इन्वर्स है ग्रुप जी में। अब इस ए इन्वर्स को हम लोग इस इक्वेशन में दोनों तरफ राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हम लोग का थ्योरम है वो हम लोग का थ्योरम को प्रूव्ड हो जाएगा। और हम अभी आप लोगों को बोले अगर आपको इस पार्ट को लेना है तो आप इसको लेफ्ट इस ए इन्वर्स से लेफ्ट साइड में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह थ्योरम हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस थ्योरम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन आया था उस इक्वेशन में हम लोग ए इनवर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग 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 बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ उसको हम लोग इक्वेशन थ्री लिख लेते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन थ्री लिख दिए। अब इस इक्वेशन थ्री में हम लोग ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ ऑफ थ्री बाय ए इन्वर्स ऑन द राइट। हम लोग राइट साइड में राइट में ए इन्वर्स से इक्वेशन थ्री को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको यहाँ पे मिलेगा, लिख देते हैं वी गेट। सबसे पहले हम लोग का था ई डॉट ए बराबर ई डॉट ई डैश डॉट ए, ये जो हम लोग का इक्वेशन थ्री था उससे हम लोग इसको लिखे थे। अब इसमें हम लोग दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो इसको हम लोग लिखेंगे ई डॉट ए डॉट ए इन्वर्स ई डैश डॉट ए इन्वर्स, ये आ गया हम लोग को बाई एसोसिएटिव बाई एसोसिएटिव लॉ, बाई एसोसिएटिव लॉ से ये आ गया ई डॉट। अब हम लोग जो ग्रुप का डिफिनेशन पहला लेक्चर में जो पढ़े थे कि किसी भी एलिमेंट और उसके इन्वर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो इसमें भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा ए डॉट ए इनवर्स डॉट ए बराबर एक आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। और किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी को एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वह एलिमेंट खुद आ जाता है। तो यहाँ पे ई डॉट ई किए तो यहाँ पे ई आ जाएगा और ई डैश डॉट ई किए तो यहाँ पर ई डैश आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ग्रुप का डिफिनेशन में कि ए डॉट ई करेंगे चाहे ई डॉट ए करेंगे तो यहाँ पर ए ही आ जाता है। तो इस तरह हमको मिलता है ई बराबर ई डैश, तो मेरा दोनों एलिमेंट इक्वल आ गया। तो इस तरह हम लोग को पता चल गया कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट किसी ग्रुप का होता है वह यूनिक होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग दस द आइडेंटिटी आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। तो ये थ्योरम हम लोग कहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।